आदाब नाजरीन, S24x7 में आपका खैर मकदम है। हर खबर पर हमारी नज़र, जो पहुंचाए अब तक सच्ची खबर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी मेरे भाइयों को सलाम मेरा। आज एक गिफ्ट, गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल गिफ्ट देने का एक छोटा सा मैसेज ये है कि आज हम महंगाई से इतने परेशान हैं, हर मुसलमान भाई, खाने को खाना नहीं, बांधने को बांधना नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक गरीब इंसान पहले जो लकड़ी पर बनाता था, वो सोच कर आज गैस और गैस पर आ चुका है, उसका ना पैसा नहीं है गैस को बनने के लिए, वो गरीब कहाँ जाए। हमारी हुकूमत से ये की अपील है कि प्लीज़ हमारे लिए एक छोटी सी हेल्प कीजिए, कुछ भी मत दीजिए हमारे को गिफ्ट, कुछ भी हमारे लिए मदद मत कीजिए। खाली एक पेट्रोल का दाम और गैस का दाम और मीठा तेल तक महंगा कर दिया आप लोग, किधर खाएंगे हम लोग, क्या करेंगे गरीब लोग। आज एक छोटा सा मैसेज का एक ही रीज़न है कि गरीबों के लिए हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं, घर में राशन मत दीजिए आप लोग, फ्री में कुछ भी मत दीजिए। कम से कम हमारे लिए कम से कम एक छोटा सा काम, उस प्राइस को पहले के जैसा दाम कर दीजिए। आज तनख्वाह भी नहीं है, एक साल से लॉकडाउन में परेशान है सब मुसलमान भाई की कोई मदद नहीं करता, कोई रहन रखकर गोल्ड रखकर रहन से पैसे लाके घर चला रहा है, कोई गरीब का सोच रहा नहीं। आज हमारे माशरे में ये है कि प्लीज, मेरी एक ही गुजारिश है कि आवाम से कि प्लीज आप भी आगे आए महंगाई के सामने, हड़ताल तो भी कीजिए, कुछ भी कीजिए। क्यों, आप लोग जितना खामोश रहेंगे उतना महंगाई होगी, मिडिल क्लास का तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, उसको तो क्या है जमा जमा हुआ खाएगा वो, मगर गरीब कहाँ से लाएगा बताओ। गरीब कन खाने को नहीं है पैसा, गरीब कन कमाई नहीं है, जहाँ तनख्वाह है वहाँ पर एक 50% है, उसमें से भी और कम कर दिए। अब गैस लाएंगे तो क्या आप करंट के चूल्हों में भी पका नहीं सकते, करंट के मीटर भी ऐसे हो चुके हैं उसमें बिल भी इतनी घुसी आती है कि कहाँ से गरीब बने। मेरी प्लीज गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, हम भाइयों के लिए, हम मुसलमान के लिए, हम आवाम के लिए, सारे कॉज के लिए, तेलंगाना वाले आप KCR साहब से गुजारिश है कि प्लीज हमारे को हेल्प कीजिए। आप किसानों की हेल्प कर रहे हैं, वैसी हमारी भी हेल्प कीजिए, हम भी बेरोजगारों में से, हमारे उतने कारोबार नहीं, ओन कारोबार नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए एक छोटी सी मदद कीजिए कि प्राइस को डाउन में डाउन कर दीजिए। हो सकता महंगाई होगी मगर वहां से महंगा आ रहा होगा, मगर प्लीज हमारे गरीब लोगों के लिए कुछ तो भी कुछ कीजिए।